वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज़ बीमारी के बारे में। रेबीज़ बीमारी जो होती है मुख्यतः जानवरों की वजह से होती है, डोमेस्टिक एनिमल्स या कुछ जो होते हैं जंगली जानवरों के वजह से होती है। ये जो बीमारी होती है इन पालतू जानवरों के काटने या चाटने की वजह से ये जो वायरस होता है शरीर के अंदर आ जाता है, क्योंकि इन जानवरों के जो सलाइवा या इनका जो लार होता है उसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो होते हैं। और रेबीज जो बीमारी होती है मुख्यतः रेबीज लाइजा वायरस इन्फेक्शन के कारण होती है। ये वायरस हमारे शरीर में घुसने के बाद में अपने आप मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से आगे गंभीर समस्याएं होती हैं। यदि हम बात करें हम कैसे पता चलेंगे कि रेबीज के लक्षण क्या हैं, मतलब शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, तो इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं व्यक्ति को क्या होता है, सर में दर्द होता है, बुखार आता है, लॉस एपेटाइट होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावन है या फिर उल्टी है या दस्त वगैरह की समस्या होती है। यदि हम बात करें कि रेबीज़ के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मतलब इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से उसको डर लगने लगता है, फोटोफोबिया, मतलब उसको हर व्यक्ति को हर जगह जो होता है डॉग डॉग ही दिखाई देता है, साथ साथ में उसकी जो मति होती है भ्रम हो जाती है, मतलब पागल सा हो जाता है व्यक्ति, शरीर के जो पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी की समस्या हो जाती है, साथ साथ में कुछ लोगों को प्रियपरिज्म की समस्या भी होती है। यदि हम बात करें कि रेबीज़ की रोकथाम के लिए क्या तरीका बेस्ट होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है रेबीज़ के लिए कि वैक्सीनेशन, मतलब यदि आपके घर में कोई भी पालतू जानवर है तो आप जो होता है पशुओं का जो होता है उनके अंदर जो होता है रेबीज़ एंटी रेबीज़ टीका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और जो जिन लोगों के घरों में है वो भी अपना खुद का टीकाकरण जो वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि रेबीज के लिए घरेलू उपचार क्या है, मतलब रेबीज का डोमेस्टिक ट्रीटमेंट क्या है, तो रेबीज का पूरी तरीके से इलाज घर पर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि आप जो होता है फर्स्ट एड कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको कोई पालतू जानवर काट लेता है या चाटने से जख्म आपका जो खुला हुआ है तो उसको 10 से 15 मिनट तक पानी से अच्छी तरीके से धोएं, उसके बाद जो डिटेल है या आयोडीन एंटीसेप्टिक वगैरह अच्छी तरीके से इस पर लगा के उससे उसको साफ करें, और साथ साथ में डॉक्टर से कंसल्ट करें और वैक्सीनेशन भी करवाएं। यदि हम बात करें रेबीज़ के टीके का कुल कितना खर्च आता है, तो रेबीज़ के टीके का जो कुल कॉस्ट जो होती है वैक्सीनेशन की कुल कॉस्ट लगभग 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आती है। यदि बात करते हैं कि रेबीज को पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांच करवाई जाती है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कौन कौन सा होता है, तो उसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो फैट टेस्ट होता है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, उसके अलावा न्यूकल स्किन बायोप्सी टेस्ट है, आरएनए टेस्ट होता है और वायरस आइसोलेशन टेस्ट वगैरह भी होते हैं। साथ साथ में एंटीबॉडीज को डिटेक्शन करने के लिए CSF और सीरम वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें रेबीज के लिए कौन से डॉक्टर को आप दिखाएंगे, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी जनरल फिजिशियन से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करा कि रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, रेबीज़ कैसे फैलता है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसका घरेलू उपचार क्या होता है, और रेबीज़ को पता लगाने के लिए कौन कौन सी जाँच करवाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।